नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SC9+ सिरप के बारे में, SC9+ सस्पेंशन। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये सिरप किस काम में आता है, इसकी MRP क्या होती है, इसकी जो कंपनी है वो क्या है, इसका पूरा साल्ट क्या है। तो दोस्तों आज हम आपको SC9+ सिरप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन विस्तार से देंगे, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे आप किस मेडिसिन का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं इस सिरप की, जिसका नाम है SC9+ सिरप। तो दोस्तों इसके अंदर ऐसा सिरप निकलता है और दोस्तों ये मैंगो फ्लेवर में आता है। मैंगो फ्लेवर का मतलब दोस्तों कि जो बच्चा पिएगा इसका स्वाद मैंगो का आएगा, आम का स्वाद आएगा, मीठा सिरप है। इसमें साल्ट है, एसिलोफिनेक, पैरासीटामोल। दोस्तों ये 60 ml में आता है, 60 ml में ये सिरप आता है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके साल्ट की। तो इसके अंदर 50 mg एसिलोफिनेक आता है दोस्तों और पैरासीटामोल आता है इसके अंदर 125 mg, मतलब कि 125 mg। दोस्तों बात करते हैं इसके MRP की। तो इसकी MRP है 80 rupees, मतलब कि ये 80 rupees का आता है दोस्तों। इसकी एक्सपायरी है 9/2023, ये बना हुआ है 10/2021 में। तो दोस्तों हमें मेडिसिन की जो MRP है वो तो देखनी ही चाहिए, लेकिन MRP के साथ साथ एक्सपायरी भी देखनी चाहिए, जिससे कि हमको पता चल जाए कि ये सिरप कब का बना है और कब तक चलने वाला है जब हम ख़रीद रहे हैं। तो अब इसका कितना समय बचा हुआ है, कितने महीने या कितने साल बचे हुए हैं दोस्तों, जिससे कि दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई भी किसी भी तरह का नुकसान हमको ना हो। बात करते हैं दोस्तों कंपनी की। तो इसकी कंपनी है सैनोफ लैब्स, इसकी कंपनी का नाम है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसके काम की। तो ये सिरप बच्चों के लिए बुखार और दर्द के लिए काम आता है, जैसे बच्चे के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है बता रहा है बच्चा, और या उसको बुखार चढ़ रहा है। तो ये पूरे शरीर के कहीं भी दर्द है, कैसा भी दर्द है, चोट का है, जख्म का दर्द है, कैसा भी दर्द है, सब में काम करेगा। और अगर बच्चे को बुखार है तो ये उसमें भी काम करने वाला सिरप है दोस्तों। ये जो सिरप हैं ये चिकित्सक की देख रेख में इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जो वीडियो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं जिससे कि अगर आपके घर में ये सिरप रखा हुआ है, जैसे सिरप आप केमिस्ट के यहाँ से लाए, मतलब अपने चिकित्सक के फैमिली डॉक्टर के पास से दवा लेकर आए, आराम मिल गया बच्चे को, आपने सिरप रख दिया और कुछ दिन बाद दोबारा दिक्कत हुई, तो आप और कई सारे सिरप रखे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि ये दवा किस काम में आने वाली है। तो अगर आप YouTube पर खोजें और आपको पता चल जाए कि ये सिरप बुखार और दर्द का है तो आप इमरजेंसी में रात बिरात में दे सकते हैं और अगले दिन चिकित्सक को दिखा सकते हैं दोस्तों। तो हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य केवल इतना होता है। या अभी आप चिकित्सक के यहाँ से आए हैं मेडिसिन लेकर, सिरप लेकर, और कई सारे सिरप हैं आप भूल चुके हैं कि इसमें दर्द बुखार का कौन सा है, तो आप अगर YouTube पर खोजें तो आपको पता चल जाए कि ये सिरप दर्द बुखार का है। तो हमारा तात्पर्य वीडियो बनाने का केवल इतना होता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे हम बता चुके कि ये सिर दर्द, बुखार और दोनों में काम आता है सिरप, कहीं भी बच्चे के पूरे बॉडी में कहीं भी दर्द है उसमें काम आएगा, और बुखार चढ़ा हुआ है तब भी काम आएगा। रही बात डोज की, तो दोस्तों डोज चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करती है, चिकित्सक देखते हैं कि बच्चा कितना बड़ा है, उसका वज़न कितना है और उसको प्रॉब्लम कितनी है, उस हिसाब से वो आपको बताते हैं कि आपको कितने ml देना है। एक एवरेज, जैसे कि 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml एवरेज चिकित्सक बताते हैं, इसमें भी ऊपर नीचे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सिरप जैसे कि हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि ये बुखार और दर्द का सिरप है दोस्तों। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं